हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। एंड फ्री स्टडी में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अकाउंट से रिलेटेड है, दैट इज़ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स का क्या रोल है? एक्चुअली आज की कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़फुल ना हो। आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, इवन अगर हम वीडियो भी बना रहे हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो कंप्यूटर का रोल जो है वो हर जगह इम्पॉर्टेंट है, तो अकाउंटिंग में तो है ही इम्पॉर्टेंट। ओके, अकाउंट्स तो हम टैली वगैरह सब कुछ कंप्यूटर से बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना होता, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन पेपर है, पेपर के अंदर तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको जो हमारा आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है उसको दिमाग में रखकर ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और अगर कोई और भी आप पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके भी टॉपिक में ये ज़रूर है ही, जैसे कि केवीएस में भी है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये मत सोचिए कि ये टॉपिक हम स्किप कर जाएंगे तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर्स आपको करना ही पड़ेगा कि अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स का क्या रोल है। ये सब हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो उनका एडवांटेजेस क्या है, उनका डिसएडवांटेजेस क्या है, ये नहीं करना हमें। हमें ये करना है कि अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स कैसे यूज़फुल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेस बनाने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानने लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर्स ने पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व कर दिया है। हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे से प्रोसेसेस कर सकते हैं। आज के कंप्यूटर्स ने बिजनेस इंडस्ट्री को अपना क्या कर लिया है, एक तरीके से अपना गुलाम ही बना लिया है। आज के टाइम में कंप्यूटर्स के बिना आप अपने डाटा को कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है, कैसे प्रोसेस करेंगे। तो मैनुअल डाटा जो है वो पास्ट के अंदर होता था, आज के टाइम में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप कर रहे हैं एंड विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर तो इनक्रेडिबल है, लेकिन कंप्यूटर तो आपको चाहिएगा ही। अकाउंटिंग के अंदर भी काफ़ी सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, काफ़ी सारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसके लिए हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत है ही। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आप कुछ भी काम लिखेंगे, कोई भी ऑपरेशंस करेंगे तो वो परफॉर्म कर देगा। उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, वही हमारा क्या है, कंप्यूटर। ओके, एंड जो ये हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, बेसिकली मेन मेन सिक्स एलिमेंट्स है। हार्डवेयर, हमें ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, ये माउस है, ये माउस दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या है, हार्डवेयर। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ें जो फिजिकल कंपोनेंट्स हो जिन्हें आप देख सकते हो, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। देन देखिए, जो ये हार्डवेयर है यही हमारा क्या करते हैं, सर्किट्स इसके अंदर लगे होते हैं, तो उसमें से ये काम करते रहते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो प्रोग्राम्स जिससे हार्डवेयर काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन हमें हार्डवेयर के अंदर सर्किट्स के फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी हमारे सिक्स टाइप्स के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। वन बाय वन पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिनसे कंप्यूटर वर्क करता है, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स। ओके, देन देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको
पर्टिकुलरली कोई वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्क को फॉर्मेट करना है या डिस्क को डुप्लीकेट करना है। ऐसा करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर किसी का शादी का वीडियो है तो वो उसको क्या करना चाहता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बनाना चाहता है, तो वो कर सकता है। फिजिकली आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो वो होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। देन कम्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक टास्क। जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स का क्या बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, पेरोल अकाउंटिंग। या मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक्चुअली पेमेंट करनी है किसकी, अपने वर्कर्स की, तो मैं उनके लिए क्या बना रही हूँ, पेरोल अकाउंटिंग। तो ये एक मतलब पर्टिकुलर वर्क है। इन्वेंट्री अकाउंटिंग, स्टॉक कितना आया, कितना स्टॉक गया, तो ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन लैंग्वेज प्रोसेसर, नाम से ही पता चल रहा है, जो रिलेटेड हो किससे, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, तो वो हमारा क्या होगा, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी वो प्रोग्राम्स होते हैं जो इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और जो डाटा होता है वो किसको देते हैं, आउटपुट डिवाइस को दे देते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, मीन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन कम्स कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। देखिए कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम ऐसा है कि हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्शन चाहिए ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जैसे अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है, हमारा मोबाइल में सॉफ्टवेयर, लेकिन हम उससे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं ना। फेसबुक, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। पीपल, पीपल कौन होते हैं, पीपल आर दो जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो क्या है, पीपल है। एंड ये वर्ड याद रखिए, पीपल को हम लाइव वेयर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। सो दिस इज, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लाइव वेयर ऑफ कंप्यूटर्स किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, पीपल। देखिए पीपल ही सिस्टम एनालाइज करते हैं, यानी कि जो सारे प्रोसेसिंग सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं। प्रोग्रामर्स भी पीपल ही होते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं। ऑपरेटर्स भी पीपल ही होते हैं जो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हैं। सॉरी, देन देखिए प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मीन्स, प्रोसीजर क्या होता है, पहले ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा, तो सीरीज है एक ऑपरेशंस की जिसको आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट तक पहुंचना है तो, ठीक है। तो प्रोसीजर्स मीन्स कि आपको कुछ काम करने पड़ेंगे सीरीज के अंदर अगर आपको कहाँ पहुंचना है, रिजल्ट पर पहुंचना है। तो तीन टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए कैसे कैसे होते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हार्डवेयर कंप्यूटर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होना चाहिए, देन इंटरनल प्रोसीजर भी होने चाहिए। ये हार्डवेयर होगा, ये कंप्यूटर है, ये हमें क्या दे देगा, डिटेल्स दे देगा। सॉफ्टवेयर क्या डालेगा, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को डालेगा। सो दिस ऑल इज रिलेटेड टू प्रोग्राम्स, दिस ऑल इज रिलेटेड टू प्रोसीजर। डाटा, डाटा एक होता है रॉ डाटा, यानी कि ऐसे कोई भी नंबर जो यूजफुल ही नहीं है, तो अगर हम उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्लासीफाई नहीं करेंगे, किसी को समझाएंगे नहीं, तो फिर तब तक वो डाटा रॉ डाटा ही रहेगा। एंड जब हम इस डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे, ये हमने नेम लिख दिए, रोल नंबर लिख दिए, मार्क्स लिख दिए, परसेंटेज निकाल दिया, तो यही इंफॉर्मेशन क्या बन, यही डाटा क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन जिससे हम डिसीजंस भी ले सकते हैं। देन कम्स कनेक्टिविटी, जो कि हमारा सिक्स्थ एलिमेंट है। कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, टेलीफोन लाइंस होने ज़रूरी हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट लिंक होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ऐसी ऐसी सैटेलाइट्स भी बन रहे हैं कि आप 2 GB का जो मूवी होगी, या काफ़ी मतलब एक जिसको आज डाउनलोड करने में अगर आपको 15 मिनट लग रहे हैं, तो वो 2 सेकेंड में भी काम हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी सैटेलाइट्स भी डेवलप हो रही हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। देन देखिए कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ऑब्वियस है, दिस इज़ वेरी मतलब कोई 6th या 7th का टॉपिक ही आप इसको कह सकते हैं, कि स्पीडली काम करता है, एक्यूरेट काम करता है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ठीक डाली है, ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, तो अब बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। रिलायबिलिटी, आप डाटा पे रिलाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको डाउट है होगा। वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी का मतलब काफ़ी सारे टास्क जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, बिजनेस से रिलेटेड, साइंटिफिक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड,
ठीक है, तो काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर आप स्टोर भी कर सकते हैं, डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, सीडी रोम में स्टोर कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस को आप स्टोर कर सकते हैं, कितनी भी ग्राफिक इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम। लिमिटेशंस क्या हैं? देखिए, कॉमन सेंस तो होती नहीं है कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर को लिखेंगे ना, अगर आपने मान लीजिए ऐसे लिख लिया कि 1.5 साल, 1.5 मैन है, ठीक है, और 1.5 तो अब कुछ होता नहीं है, तो हम इसको अगर दे देंगे 1.5 मैन, तो भी ये मल्टीप्लाई कर देगा कि अगर हम हर किसी को 10 रुपये दे रहे हैं तो भी ये मल्टीप्लाई दे देगा, कर देगा, ये नहीं सोचेगा कि मैन तो है वो 1.5 हो ही नहीं सकते। तो कॉमन सेंस कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, वही इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी नहीं होता, आईक्यू भी नहीं होता, वो किसी सिचुएशन में अपना दिमाग नहीं लगा सकता है कंप्यूटर, डिसीजंस नहीं ले सकते कंप्यूटर, डिसीजंस तो किसको लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को ही लेने पड़ते हैं। अब देखिए, इसके अंदर आप कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स को देख सकते हैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, एंड ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या हो रहा है, ये आपने इनपुट दिया, वहाँ पे क्या हुई, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हुई, कंट्रोल यूनिट हुई, और हमारे पास आउटपुट आ गया। अभी हम समझते हैं, देखिए, इनपुट, इनपुट मींस आप कहाँ से डाटा देंगे, कीबोर्ड से, माउस से, ओके, स्कैनर से, स्कैनर से आप अपनी कोई भी फ़ोटो, कोई भी सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं ना, तो आप डाटा ही दे रहे हैं, टेप से, मैग्नेटिक डिस्क से, पेन से, पेन से हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही लिख रही हूँ, तो ये हम अपने डाटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, बार कोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, तो ये वो सारी डिवाइसेज हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, या जो हमारी आवाज़ को क्या करते हैं, रिस्पोंड करती हैं, तो वो होता है हमारा इनपुट। देन देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सीपीयू मेन पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का, यही क्या करता है, डाटा को मेमोरी में रखता है, और यही डाटा को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है इसके अंदर, मेमोरी है, एंड कंट्रोल यूनिट है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है, जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंटिएशन, जैसे कि 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, तो ये सब काम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर आता है। देन कम्स मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होगा, देखिए, कोई भी डाटा स्टोर किया जाता है पहले, ठीक है, पहले आप डाटा डालेंगे, उसके बाद ही तो उस पर काम होगा, तो वो डाटा कहाँ स्टोर होगा, तो वो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर की, ये मान लीजिए कंप्यूटर का दिमाग है, मेमोरी है, यहाँ स्टोर होता है। ओके, देन कम्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होगा, ये कंप्यूटर है, इसकी जितनी भी यूनिट्स है उनको जो जो कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस को पहले वो पढ़ेगा कंप्यूटर, फिर उसको अपनी भाषा के अंदर लेके जाएगा, फिर उस डाटा को प्रोसेस करेगा, फिर हमें इंफॉर्मेशन देगा, सो दिस इज ऑल टू कंट्रोल यूनिट। देन आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट मीन्स हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, हमने मान लीजिए 5 + 2 लिखा तो हमारे पास 7 आ गया, तो उसके लिए हमारे पास डिस्प्ले होती है कंप्यूटर पे, प्रिंटर्स होते हैं, अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहें, ग्राफ्स भी आप ले सकते हैं, ड्राइंग्स, चार्ट्स, कुछ भी बना सकते हैं आप आज के टाइम में तो कंप्यूटर से। अब आता है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये हमारा एक्चुअली टॉपिक है कि हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी, हमें कंप्यूटर्स को अकाउंटिंग में क्यों लेना पड़े। देखिए, पहले जो था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये एक लाल रजिस्टर होता था, इसके अंदर सब कुछ मेंटेन करना पड़ता था, तो ये बुक कीपर के लिए बहुत ही टफ हो जाता था, सब कुछ लिखना, पोस्टिंग करना, दिस ऑल बिकम्स वेरी टफ। तो हमारे जो लुका पेसियोली भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, एक जर्नल और लेजर बताया, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि मैं हर एक ट्रांजेक्शन को एक जगह डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा, तो ये डेबिट क्रेडिट बहुत इजीली हो पाता है, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। बिल अगर आपको बनाने हैं तो बिलिंग मशीन भी आती है, ठीक है, उससे भी आप काम इजीली कर सकते हैं, उस पे किसका नेम लिखना है, क्या एड्रेस लिखना है, कस्टमर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितने कस्टमर्स हैं, किसको कितना डिस्काउंट देना है, नेट टोटल कितना आएगा, तो ये सब बहुत इजीली हो जाता है अगर हमारे पास कंप्यूटर हो तो। तो कंप्यूटर तो एक ऐसा सिस्टम है जो टाइप भी करता है और कैलकुलेट भी करता है, आप उसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं एंड आप उसके अंदर प्लस माइनस भी कर सकते हैं।
एंड डे बाय डे इतनी ट्रांजैक्शंस कंपनी के अंदर होती हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बढ़ ही रही है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप इसके अंदर कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटी बहुत अच्छी है प्रोसेसिंग करने की, तो कंप्यूटर इज़ वेरी गुड इन अकाउंटिंग ऑल्सो। देन इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन, ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर हमें कोई इंफॉर्मेशन दे देगा तो हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाएंगे। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देखिए ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इस ट्रांजैक्शंस को कहाँ पोस्ट करना है, ठीक है, ये सब हमें कहाँ से पता चल जाता है, ये सब हमें पता चल जाता है कंप्यूटर्स के थ्रू। देन एक है हमारा गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल, ये फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया TPS होता है, इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको वैलिडिफाई करना है, कहाँ उसको स्टोर करना है, वैलिडिफाई कुछ नहीं होता, वैलिडेट कैसे करना है, तो ये सब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर होता है। पहले आप क्या करते हैं, डाटा को एंट्री कर देते हैं, डाटा को एंटर कर देंगे, मान लीजिए एक कस्टमर ही है, उसने ATM से क्या किए, पैसे निकाल लिए, तो डाटा एंट्री हो गई ना, तो जो कस्टमर ने जो भी एक्शन किया है तो कंप्यूटर उस डाटा को क्या कर देगा, बैंक के अंदर, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल देगा, फिर वो डाटा वैलिडेट करेगा कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन भी है या नहीं है, तो कुछ स्टैंडर्ड्स के थ्रू अगर कोई गलती होती है तो वो पता चल जाती है, ठीक है, तो एरर को डिटेक्ट करने में भी ईजी हो जाता है। इसीलिए जो कैसे वैलिडेट करते हैं, एक पिन होता है, एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो वैलिडेट हो जाता है। देन प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेशन, फिर जो जो ATM यूज़र ने जो भी नंबर डाला, पिन नंबर डाला, तो वो सब उसके अंदर वैलिडेट होगा और दोबारा से सारा काम दोबारा होगा कि भाई ठीक ढंग से इनकाउंटर हुआ है, कोई इनपुट वैलिडिटी गलत तो नहीं है, तो ये सब होगा, तो इसको बोलते हैं चेकआउट वैलिडिटी एंड इनपुट आउटपुट वैलिडिटी। देन स्टोरेज, डाटा को डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बन जाती है कि पैसे विड्रॉ हुए हैं, इस पर्टिकुलर कस्टमर ने विड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो डाटा क्या हो जाती है स्टोर। फिर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जो भी स्टोर डाटा होगी वो एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, एंड इसको सपोर्ट कौन करता है, SQL, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देन रिपोर्टिंग, फिर क्या होगा, मैसेज आ जाता है ना कि आपके इतने पैसे निकाल आपने इतने पैसे निकाल लिए, तो वो जाता है रिपोर्टिंग। सो दिस इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए एक जो सिंपल अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो पूरी ट्रांजैक्शन ऐसे ही होगी, लेकिन अगर बैच प्रोसेसिंग है तो बैच में क्या होता है, काफ़ी सारी यूनिट्स, जैसे काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये सब अपना डाटा जो है पहले एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठे करते हैं और फिर डिजायर्ड रिजल्ट्स को लेकर आते हैं, तो वो एक ही पर्सन का होता है, लेकिन बैच प्रोसेसिंग में क्या होती है, काफ़ी सारी ब्रांचेज एंड काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स का जो डाटा होता है वो काम करता है। देन कम्स रियल टाइम प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए एक ट्रांजेक्शन होने में और प्रोसेसिंग होने में टाइम गैप होता है, जैसे मान लीजिए आपने पैसे विड्रॉ किए 10 बजे, मैसेज आपके पास आया 11 बजे, सो देयर इज टाइम गैप ना, तो वही रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, वहीं पे काम हो रहा होता है, तो उसे बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। देन देखिए अगर आप कंप्यूटर से अकाउंटिंग करते हैं तो आप ऑनलाइन ही डाटा को स्टोर करेंगे, ऑनलाइन ही प्रिंटआउट्स निकालेंगे, ऑनलाइन ही कोड वगैरह आप डाल सकते हैं, यूनिक कोड डाल सकते हैं, ऑनलाइन ही अगर आप मान लीजिए ग्रुपिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सो ऑनलाइन ही P&L अकाउंट बनता है, ऑनलाइन ही बैलेंस शीट, ऑनलाइन ही VAT, ऑनलाइन ही स्टॉक कैलकुलेट होता है, किसको कितना पेरोल रिपोर्ट यानी कि किसको कितना सैलरी देना है, तो वो सब भी उसके अंदर ही हो जाता है। अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, एग्जाम का डेट 21 जनवरी है। देखिए रिकॉर्डिंग, ये सब देखिए एक इन्होंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर कैसे रिकॉर्ड होता है, आप वाउचर, वाउचर एक आप एक पर्चा पर्ची बोल सकते हैं जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, फिर वो लेजर के अंदर जाता है, लेजर से फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट से फिर ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है।
पेरोल यानी कि आप कस्ट अपने वर्कर्स को कितना सैलरी दे रहे हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। आपको उनकी पे स्लिप्स भी देनी होती हैं। अगर आप परचेज करते हैं तो इनवॉइसेस, ठीक है, किससे खरीदा ये सब आपको लिखना पड़ता है। सेल करते हैं तो आपने किसको कितना टैक्स किससे लिया, मतलब वो सब आपको पुट करना होता है। देन देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, मीन्स ये इंफॉर्मेशन देता है किसको, मैनेजमेंट को, कि वो डिसीजन ले सकें, इफेक्टिवली काम कर सकें। तो ये उनका एक सपोर्ट है। और देखिए जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी लेवल्स पर मैनेजमेंट द्वारा चेक किया जाता है, चाहे ऑपरेशनल लेवल हो, टैक्टिकल लेवल हो, स्ट्रेटेजिक लेवल हो, हर लेवल पे मैनेजमेंट उसको क्या करती है, चेक करती है। क्योंकि मैनेजमेंट, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिसीजन लेने के सक्षम नहीं है, डिसीजन मैनेजमेंट लेगी, इसीलिए वो अपनी इंफॉर्मेशन को हर लेवल पे चेक करती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, कम्युनिकेट करना यूज़र्स को, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं, लाइक क्रेडिटर्स को इंफॉर्मेशन देनी है, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है, इनकम टैक्स वालों को इंफॉर्मेशन देनी है, तो इन सबको ऑर्गेनाइज करना, ये सब भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू बहुत ईजीली हो पाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना प्रोडक्ट्स बने, कितने की मार्केटिंग हुई, कितना अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमन बींग्स ही, एंड ह्यूमन बींग्स देखिए अगर उनको वो स्किल है उनके पास, वो कोई काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी करने के लायक हैं, किसी रॉ मटेरियल को अगर वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, रिसोर्स ही होते हैं। तो ये सब फंक्शंस हैं, फंक्शन एरियाज ऑफ मैनेजमेंट हैं। देन कम्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अगेन हम इसको रीड कर चुके हैं, जो हमारा ये डे टू डे एक्टिविटीज जो भी होती रहती है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, प्रोप्राइटर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, फाइनेंशियर्स को, गवर्नमेंट को, वेंडर्स को, सप्लायर्स को, इवन सोसाइटी को भी। तो इन सबको इंफॉर्मेशन हम कहाँ से देंगे, अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम करते हैं तो आप बहुत ईजीली इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो, टाइम पर इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही दी जाए, पूरी दी जाए, एंड समरी में दी जाए। समरी मीन्स ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए डिमांड रिपोर्ट्स क्या होते हैं, अगर कोई आपकी रिपोर्ट को डिमांड कर ले, जैसे कि मैनेजमेंट ही है वो रिक्वेस्ट करती है कि आप हमें रिपोर्ट दो, तो डिमांड रिपोर्ट्स हैं। कस्टमर रिपोर्ट, सप्लाई रिपोर्ट्स की अपने कस्टमर्स के बारे में रिपोर्ट देना, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ती हैं मैनेजमेंट को, जैसे मान लिया कैश की पोजीशन कितनी है, तो ये फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट देता है हमारा, तो ये सब हमारे काम कंप्यूटर होता है तो बहुत इजीली हो जाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक डायग्राम देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा उसी से। देखिए ये अकाउंटिंग है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ओके। ह्यूमन रिसोर्स ने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स वर्कर्स हैं, उन्होंने कोई काम किया, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर दी, मैन्युफैक्चर किया तो अकाउंटिंग से उनको पैसे पे करने होंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की है उन्होंने तो अकाउंटिंग, देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो है, ये ह्यूमन रिसोर्स थे तो इन्होंने काम किया, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर मान लीजिए इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो इनके डिडक्शंस भी होंगे। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो मैनेजमेंट होती है वो सैलरी भी पे करती है अकाउंटिंग के थ्रू ही, सो दिस इज़ वेरी कॉमन। अब देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो भी बिजनेस मार्केटिंग या जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो ये बनाता है, इंक्वायरी करना कि कितने की सेल हुई है, कितने कॉन्टैक्ट्स हमने बनाए हैं, ऑर्डर्स की एंट्री हुई या नहीं हुई, गुड्स डिस्पैच हुए या नहीं हुए, कस्टमर्स की बिलिंग हुई या नहीं हुई, गुड्स की कितने गुड्स की कस्टडी है हमारे पास इन्वेंट्री कितना है, रिसीवेबल्स कितना है, कस्टमर के अकाउंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखना, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। प्लान्स बनाना,
करना, शेड्यूल्स बनाना, मटेरियल कितने मटेरियल की ज़रूरत है, कितना इन्वेंट्री इशू कर दिया, कितना रॉ मटेरियल और चाहिए, वेंडर्स के इनवॉइसेस को कैसे हैंडल करना है, वेंडर्स को पेमेंट कैसे करना है. सो दिस ऑल इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग. दिस टॉपिक इज़ डन. तो हमने क्लास 11th एंड 12th की अकाउंटेंसी कर ली है एज़ पर RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन. एंड अब हम बिजनेस स्टडीज़ करेंगे कल.